नमस्कार प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टडीइंग वेल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वाटर एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन नंबर 6, एवरी ड्रॉप काउंट। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द अर्लियर टाइम्स water sources and where the people store the water in earlier times. So in this video we are going to study about these points. These are the points like as to know about the water, then to discuss different uses of water, then next to recognize the importance of water for living things, check out the availability of water, to realize our role in managing water, means what is our role or how we can save water, and next one, to know some methods of water management, means how we can save water for the future or water conservation techniques. So these things we are going to study. So let's move. So first we see the distribution of water on the earth. So children, see, the water is distributed everywhere. Near about 75% of the water, the 75% of the earth is covered with water. Near about. लगभग 75% ऑफ लैंड इज वाटर, जो लैंड पर 75% क्या है, पानी। 95% ऑफ अर्थ वाटर इज इन ओशंस, मीन्स जो बिग वाटर बॉडीज जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सो बिग वाटर बॉडीज हैविंग द 95% 97% नियर अबाउट the water is salty, means which is not for drinking, ठीक है। only 3% of water which we can use for drinking, means fresh water we can say, क्या कह सकते हैं, वो fresh water है जिसको हम पी सकते हैं। and you know children, our 66% of human body weight is about water, 66% हमारी जो बॉडी का वेट है वो क्या है, वाटर है। सो दिस इज द सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर। लेट्स सी, सो अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जो हम कह रहे थे कि लॉट ऑफ लिविंग थिंग्स विच केम और विच वी आर सीइंग इन द वाटर ओनली, तो अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर, दे ऑल्सो सीन इन द वाटर ओनली एंड इट इज़ द होम फॉर द लॉट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर इज वन ऑफ द होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। सो वाटर हाउसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है देयर होम इज वाटर, ठीक है। सो विथ वाटर लाइफ इज फन चिल्ड्रन, इफ द वाटर इज नॉट देयर, so lot of difficulties we will face, that we will see in the next slide. So water is fun, if water is there you can enjoy a lot of things. पानी अगर नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, पानी सबसे important है हमारे जीवन में। so with water we can play, we can enjoy the lot of adventurous sports like as these are the some examples I have written here, that is surfing, kite surfing, etching, water wakeboarding, jet skiing, parasailing, flyboarding, free diving, white water rafting. So these are the some examples of the adventurous sports which we can enjoy in water only, jo pani ke bagair hum inko enjoy नहीं कर सकते, means we can't enjoy these games without water, means that's why it is said that the water is
फन मीन्स विथ वाटर लाइफ इज फन, इसीलिए कहा गया है कि पानी की वजह से हमारे जीवन में क्या एक प्रकार से मजा है, ठीक है, एंजॉयमेंट्स है। नेक्स्ट सी, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वाटर साइकिल, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो मीन्स व्हाट हैपन्स इन वाटर साइकिल। सो यू ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो, सो सिंपल स्टेप्स आर देयर, देयर आर द वाटर इज कलेक्टेड इन द वाटर बॉडीज। वाटर क्या होता है, कलेक्ट होता है कहाँ पर, इन वाटर बॉडी, ठीक है। सो इन वाटर बॉडी द वाटर इज कलेक्टेड एंड आफ्टर गेटिंग कलेक्टेड इन द वाटर बॉडीज ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, सन की हीट की वजह से क्या होता है, द वाटर इज गोइंग टू बी हीटेड एंड दैट्स वाई इट फॉर्म्स द वेपर। वो क्या बनाता है, वाटर गेट कन्वर्टेड इन टू वेपर एंड दैट वेपर रीचेज टू द स्काई एंड इट फॉर्म्स द क्लाउड। वो क्या बनाते हैं वहाँ पे, क्लाउड। एंड देन दैट इज मीन्स दिस प्रोसेस दैट वाटर गेट कन्वर्टेड इन टू द फॉर्म्स द इवेपोरेशन। फर्स्टली क्या करते हो, वेपर्स में कन्वर्ट होके ऊपर जाती है एंड इट फॉर्म्स द क्लाउड। एंड ड्यू टू द एयर, जो भी एयर यहाँ पे लगती है क्लाउड्स को, दैट क्लाउड्स आर नॉट एबल टू कैच दिस वेपर, सो दैट गेट कन्वर्टेड इनटू द इज द प्रोसेस दैट इज कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड दैट वेपर्स गेट कन्वर्टेड इनटू द वाटर ड्रॉपलेट। सो फिर क्लाउड्स में से क्या होते हैं, जो फिर से क्या होता है, जो वेपर गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट एंड दिस वाटर ड्रॉपलेट फेल डाउन ऑन द अर्थ एंड अगेन दिस वाटर रीचेस टू द डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज, ठीक है। फिर से वो कहाँ पर चले जाते हैं, रिवर, लेक, सी, है ना, दीज आर द वाटर बॉडीज एंड अगेन दिस प्रोसेस इज ऑकरिंग मीन्स दैट्स वाई इट इज द वाटर साइकिल। सो इसीलिए कहा जाता है इसको वाटर साइकिल, मीन्स दिस स्टेप्स आर इन्वॉल्व दैट इज कलेक्शन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। सो दिस स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ और इन द वाटर साइकिल, गॉट इट। सो दिस इज द वाटर साइकिल, सो इन दिस वे। नेक्स्ट, वाटर इज सैक्रेड, सो वाटर को क्या कहा गया है बच्चों, पवित्र माना गया है। वाई, क्योंकि लॉट ऑफ ट्रेडिशन, हमारे जो भी बहुत सारी जो रूढ़ी परंपराएं हैं या ट्रेडिशन हमारी जो हिंदू संस्कृति में बोलो या कहीं पे भी, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं कि दे आर कंडक्टेड नियर टू द वाटर ओनली, वो फिर रिवर वाटर हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है, सो दैट द वाटर इज कंसिडर्ड एज अ सैक्रेड, मीन्स हम कह सकते पवित्र माना गया पानी को। जैसे कि हमारे इसमें हमारे इन इंडिया देर जो कुंभ मेला लगता है, ठीक है, जो कुंभ मेला लगता है वो जहाँ पे रिवर का प्लेस है, जैसे कि चार जगह पे लगता है हमारे यहाँ पे, इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार एंड नासिक, ठीक है। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर द कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज और लॉट ऑफ ट्रेडिशंस दे आर कंडक्टेड नियर टू द वाटर ओनली, ठीक है। सो वाटर इज कंसिडर्ड एज अ सैक्रेड, मीन्स वाटर को, पानी को पवित्र माना गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, वाटर इज वन ऑफ द काइंड ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बच्चों चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो वाटर इज वन ऑफ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, थ्रू दिस ऑल्सो वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू वाटर ओनली,
नेक्स्ट वन, द वाटर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. सो यू ऑल आर नोइंग द लॉट ऑफ यूजेस ऑफ वाटर. बहुत सारे आपको यूजेस पता है. द वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर एग्रीकल्चर. विदाउट वाटर द एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल. एंड लॉट ऑफ पीपल इन आवर इंडिया दे आर डूइंग द वर्क ऑफ एग्रीकल्चर, है ना. फार्मर्स है हमारे इंडिया में, ज़्यादातर लोग क्या है, फार्मर्स है. हमारे इंडिया को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है. क्यों? कि लगभग नियर अबाउट 70% ऑफ द पीपल दे आर डूइंग द एग्रीकल्चर फार्मिंग. ठीक है. सो ऑल्सो वन मोर थिंग, दैट इज वाटर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. वाटर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. वाटर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दैट्स वाई इट इज नोन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. सो वर्ल्ड वाइड हाइड्रो पावर प्लांट्स प्रोड्यूस अबाउट 24% ऑफ अ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी. सो हाइड्रो पावर सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू मोर देन 1 billion पीपल, यू नो. सो दैट इट इज द वाटर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. तो इसीलिए हम कहते हैं कि पानी क्या है, पानी के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी की पैदा कर सकते हैं. सो दैट इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. इसीलिए वाटर को एनर्जी का सोर्स कहा गया है. ठीक है. सो वाटर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. देन द व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द वाटर, दिस ऑल दिस थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव अबाउट द वाटर. बट मोस्ट अब्यूज मटेरियल ऑन द अर्थ अगेन द वाटर इज. वाटर को ही एक दूसरी साइड से अगर हम सोचेंगे तो वाटर कभी कभी ये क्या बन जाता है, हमारे लिए बैड थिंग बन जाता है, अब्यूज थिंग बन जाता है. ठीक है. व्हाई? सो सी दिस, व्हेन वी आर नॉट कंट्रोलिंग, मीन्स इफ वी आर नॉट टेकिंग केयर, इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग द पोल्यूशन. ठीक है. अगर हम जो हमारे एक्टिविटीज है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, सो द वॉट एवर द बैड एक्टिविटीज जो दिख रहा है आपको पिक्चर में, कि सो दैट इन दैट मैनर द वाटर इज गोइंग टू बी पोल्यूटेड. एंड दिस पोल्यूटेड वाटर इज वी इफ यू ड्रिंक, सो इट विल कॉजेज द डिफरेंट वाटर बॉर्न डिसीजेस. नॉट ओनली दिस मच, सो इट विल ऑल्सो अफेक्ट द एक्वेटिक एनिमल्स. जो पानी में रहने वाले जो भी जानवर हैं, इनके लिए भी ये पानी क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है. ठीक है. सो दैट इट इज कॉल्ड एज वाटर अब्यूज, हम कह सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. सो नेक्स्ट वन, इमेजिन इफ द अर्थ विदाउट वाटर. सो यू विल सी दिस टाइप ऑफ पिक्चर. अगर पानी अगर नहीं है, सो यू विल सी दिस ड्रॉट सिचुएशन, सूखा पड़ जाएगा बच्चों. ठीक है. सो वाटर इज सो प्रेशियस फॉर ऑल ऑफ अस. यू विल सी दिस टाइप ऑफ सीन इफ वाटर इज नॉट देयर. आपको इस तरह सा नजारा दिखेगा बच्चों. सो दिस इज द टाइम टू थिंक, सो हाउ वी कैन सेव, हाउ वी कैन कंजर्व द वाटर फॉर फ्यूचर. सो दीज आर द सम वेज वी कैन कंजर्व और वी कैन सेव द वाटर. हार्वेस्ट एंड कंजर्व, रीयूज, यूज वाटर, रिड्यूस यूर यूज ऑफ वाटर, रिसाइकल एंड डू नॉट पोल्यूट. इफ वी डू दिस थिंग, अगर हम ये सारे तरीके अगर अपनाएंगे, हार्वेस्ट एंड कंजर्व, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इफ वी डू, देन रीयूज, यूज वाटर. जैसे कि मैंने यहाँ पर, आप क्या कर सकते हैं कि आपके घर में फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स वॉश किया जा रहा है. ठीक है. सो आफ्टर वॉशिंग दिस वेजिटेबल्स और पल्सेस, सो यू कैन यूज दैट वाटर फॉर द प्लांट्स. यू कैन यूज दैट वाटर फॉर द प्लांट्स, मीन्स क्या हो गया, पानी का रीयूज हो गया, है ना. यू हैव यूज दैट वाटर अगेन. एंड वाट वेयर एवर देयर इज अ नीड ऑफ वाटर, ओनली यूज दैट मच वाटर, रिड्यूस योर यूज ऑफ वाटर. देन रिसाइकल द वाटर. वाटर को क्या किया जाए, रिसाइकल किया जाए, मीन सॉल्ट वाटर इफ इट इज पॉसिबल. सो वी कैन कन्वर्ट इट इन टू, क्या कर सकते हैं इसको हम फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, उसके ऊपर भी सोचा जाए. ठीक है. और पानी का पोल्यूशन स्टॉप किया जाए. इफ यू स्टॉप द पोल्यूशन ऑफ वाटर, देन एंड ओनली देन द वाटर विल बी सेव्ड फॉर द फ्यूचर. ठीक है. सो दिस इज द टाइम टू थिंक.
देन सी मीन्स इट्स अवर ड्यूटी टू जॉइन हैंड्स टू सेव अवर मदर अर्थ और फ्यूचर जनरेशन एंड अवर प्रेजेंट टू सेव वाटर. सो डू यू नो सो वर्ल्ड वाटर डे एंड फॉर दैट पर्पज सो सी देयर वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ओवर 1 billion ऑफ पीपल दे आर ड्रिंकिंग वाटर एंड फॉर दैट पर्पज इज 22 मार्च क्या किया जाता है जागतिक जल दिवस मनाया जाता है बच्चों. दैट इज वर्ल्ड वाटर डे. वर्ल्ड वाइड लैक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. वाटर के इम्पोर्टेंस के लिए क्या किया जाता है इसका ये लोगों के मन में इसके बारे में इम्पोर्टेंस पैदा हो तो इसके लिए वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है. सो नीड ऑफ द आवर. सो व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर. तो इस समय की मांग क्या है. सो मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल वाटर. समय की मांग यही है बच्चों की वी हैव टू कंजर्व. ठीक है. सो इफ वी आर एबल टू कंजर्व द वाटर देन द फ्यूचर विल बी सेफ. द फ्यूचर जनरेशंस विल गेट वाटर. ठीक है. सो दे विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी. सो दैट पर्पज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इफ एवरी इंडिविजुअल डिसाइड टू डू द रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर एवरी इंडिविजुअल डिसाइड कर ले कि इस तरह से पानी को बचाया जाए इस तरह से जो भी हमारे छत पर जो बारिश का पानी गिरता है उसको हम अपने ही जगह में जो हमारी एरिया है उसमें ही उसको हमने क्या किया जाए स्टोर किया जाए. छत पर से गिरा हुआ पानी जो बह के जाता है उसको बहने न दें और उसको हम अपने एरिया में टैंक लगा अंडरग्राउंड टैंक लगा कर उसको हम स्टोर करें. मीन्स इट विल हेल्प अस फॉर फ्यूचर इन समर सीजन. मीन्स वेन एवर वी आर गेटिंग द स्केयरसिटी ऑफ वाटर एट दैट टाइम वी कैन यूज इट. उस वक्त हम इसको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द time to think so we can do the rainwater harvesting. So what is meant by rainwater harvesting? So rainwater harvesting is nothing but children to the process of collecting rainwater is known as rainwater harvesting. In this process rainwater is collected by making a tank under the ground. The water flow down from the roof through the pipe into the underground जो भी ऊपर से छत पर से जो गिरा हुआ पानी है उसको हम क्या कर सकते हैं अंडरग्राउंड टैंक लगा के उसमें स्टोर कर सकते हैं एंड दैट वाटर वी कैन सेव और वी कैन यूज इन फ्यूचर. वर्ल्ड वाटर डे इज हेल्ड एनुअली ऑन 22 मार्च एज अ मीन्स ऑफ फोकसिंग अटेंशन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर and management of the freshwater resources in 2009 and the theme of the World Water Day is shared water shared opportunities. ठीक है. ये 2009 का है ये. ठीक है. shared water shared opportunities. ठीक है. so World Water Day is celebrated for the importance. so here I just want to show some posters means which will you helpful for making the poster making on the water whatever the work given to you just make the posters like this. Is tarah ke aap posters bana sakte ho and you can note the slogans also. Slogans bhi aap usme dikha sakte ho. Means it will help us to give the message to the people means how they can save the water. Theek hai. So these are the some posters which are here. So these are this type of posters you can make to give the message to the people how we can save water and how every drop of water is important. Got it? So this is the chapter. We are going to conclude this chapter here and through this chapter I just want to give the message.
सो दिस इज़ द टाइम टू कंजर्व द वाटर मीन्स द फ्यूचर जनरेशन विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी ऑफ वाटर स्केरिसिटी और शॉर्टेज ऑफ वाटर. सो डू द प्लेज एंड डिसाइड एंड कंजर्व वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन. ओके सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वॉट एवर द पॉइंट डिस्कस हियर इन दिस वीडियो. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक अवर अर्थ ग्रीन बाय सेविंग द वाटर. इफ वाटर इज देयर मीन्स रेनफॉल इज देयर सॉरी इफ वाटर इज देयर देन द ग्रीनरी इज देयर एंड इफ ग्रीनरी इज देयर रेनफॉल इज देयर मीन्स दिस इज द वन ऑफ द काइंड ऑफ अ साइकिल. ठीक है इन दिस वे वी कैन कंजर्व द वाटर एंड सेव वाटर सेव अर्थ. थैंक यू सो मच.